Hoppala. हम क्या गुम हो गए हैं? हम क्या? हाँ, ट्री एवरीवेयर, ट्री कट। अभी तक इसी जंगल में कहीं गुम हुए फिर रहे हैं। इसको फिर आग लगाएंगे जलाने के लिए। ये ओके, नाउ अंडरस्टैंड। आगे तो यार सारी कीचड़ है। Good morning from Bokra, Bangladesh, and welcome back to the channel. इस टाइम बज रहे हैं जनाब सुबह के 4:40, 4:45, क्योंकि हमारा आज का दिन जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। हम आज जाएंगे यहाँ बोगरा से टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, टूवर्ड्स इंडियन बॉर्डर, द सिटी कॉल्ड श्रीमंगल। श्रीमंगल जो कि बांग्लादेश का टी कैपिटल भी है। श्रीमंगल यहाँ तकरीबन कोई 350 किलोमीटर है, और क्योंकि रोड की कंडीशन जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और रास्ते में फ्लड वार्निंग भी है एक जगह पे और एक रिवर के पास, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम आज ज़रा जल्दी निकलें यहाँ से। नाश्ता हम यहाँ पे नहीं करेंगे, नाश्ता हम के रास्ते में करेंगे। कोशिश करेंगे शाम को 5 से 6 बजे तक जो है हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे जाके श्रीमंगल में, और अगर वहाँ पे हालात अच्छे हुए, अगर वहाँ का मौसम अच्छा हुआ, अगर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी सनलाइट हुई, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा श्रीमंगल की टी प्लांटेशन। सो दिस इज फेमस फॉर टी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लाही सखरा लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। इस टाइम जी 5:20 हो रहे हैं। अभी ऑन द राइट रोड। हल्की हल्की डिजलिंग अभी भी हो रही है, लेकिन अभी हमने अपना जो है रेन गेयर जो है वो हमने अभी नहीं लगाया, क्योंकि उससे फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। देखते हैं अभी कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, एंड देन बसें तो शुरू आते ही हो गई हैं। तो प्लान ये है कि तकरीबन कोई 100 किलोमीटर हम कर लें अगर सुबह सुबह, तो 100 किलोमीटर के बाद हम कहीं रुक के नाश्ता करेंगे, इवन कि बारिश नहीं होती और हमें उससे पहले हमें नहीं रुकना पड़ता, और रास्ते में जो कुछ भी आएगा हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है वो है जनाब फ्लड वार्निंग का, कि वहाँ पे जो है कितना फ्लड है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हम थोड़ा सा जल्दी निकल आए हैं, अभी भी जो है वो डार्क है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो भी हो रही है, क्योंकि सामने से जब वो लाइटें जब सामने से आती हैं ना, तो वो जो है बंदे को बिल्कुल ही ब्लाइंड कर देती हैं। और यहाँ पे वो वाला कल्चर तो यहाँ पे है नहीं कि हम जो है लाइटों को ज़रा डिम रखें या नीचे रखें, नहीं। एक तो अच्छी बात है कि हम इस कंस्ट्रक्शन साइट से हम अभी निकल रहे हैं, अभी ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर है, और अब सूरज की लाइट भी आहिस्ता से निकल रही है, सो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी।
अभी गूगल मुझे बता रहा है कि तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे के बाद जो है एक दरिया आ रहा है और उसके पास जो है ना वहाँ पे कोई हैवी फ्लडिंग है, क्योंकि यहाँ बारिशें जो हैं डेली की बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अब उन पे जो है वहाँ पे कितना फ्लड वहाँ पे है वी विल सी। इट्स अ फर्स्ट टाइम जो है एवरीथिंग इज़ टुगेदर, हैवी ट्रैफिक और रोड कंस्ट्रक्शन, रोड भी जो है बहुत गंदी हालत है रोड की, वहाँ पर काम हो रहा है गैस, और ट्रैफिक भी हैवी है। अब तक हमें हल्की फुल्की हैवी ट्रैफिक मिली थी, लेकिन इतनी हैवी ट्रैफिक इतनी अब है ये हमें नहीं मिली थी। और ये ट्रक और सारे तो निकलेगा भैया, आज की रोड तो जनाब आई थिंक सबसे गंदी रोड है अब तक की यहाँ बांग्लादेश में। रोड पूरी जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा जाम, यानी कि बारिश की वजह से वैसे ही रोड की जो है कंडीशन वैसे ही बहुत बुरी है। अब मेरा जो है पीछे जो मेरा पड़ा हुआ लगेज वो जाम्स की वजह से मुझे आगे की तरफ पुश कर रहा है, और आगे पुश करने से अब मेरी जो है ना टांगें वो एकदम स्क्वीज हुई हुई हैं, क्योंकि भाई ये क्या है भी एक बाइक भी छोटा है, तो पीछे से वो पुश करके मुझे आगे करता है बार बार, और उससे जो है ना हमारे घुटने क्योंकि वो कंटिन्यूसली बेंड हैं और उनका प्रेशर पड़ रहा है, तो वहाँ फिर मुश्किल दर्द रहता है ब्लड फ्लो की वजह से। हम यहाँ से पेट्रोल डलवा ही लें, कहाँ पर अभी ऑक्टेन 125 है, ये ऑक्टेन है। हाँ जनाब ये ट्रैफिक हमारा जो है असली ढाका तक ही ऐसे चलेगी, क्योंकि ये ढाका की रोड है, तो ढाका तक जो है तकरीबन आई थिंक कहते हैं कि 80-90 किलोमीटर्स है, तो वहाँ तक तो ये ऐसे चलेगी। नॉट गुड, नो सीनिक रोड टुडे लाइक वी यूज्ड टू हैव। यानी क्या ख्याल है, यहाँ से नाश्ता ना कर लिया जाए कहीं से, लेकिन वो भैया बुला रहा है, चलो इसके पास देखते हैं क्या है इसके पास नाश्ते में। भैया अस्सलाम वालेकुम, नाश्ते में क्या है, नाश्ता आपको हिंदी आती है, हिंदी उर्दू आती है, हैं? रोटी पराठा बना रहा है, अंडा है, अंडा ऑमलेट, ओके तो जी हम यहाँ पे नाश्ता ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो है नाश्ते में ऑमलेट एज यूजुअल और पराठे एज यूजुअल, पानी मैंने एक पी लिया है और एक और पिएगी। बहुत काम है आपका, बहुत काम है यहाँ पे, क्या बस चलाते हैं, हैं? अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, लें जी नाश्ता हमारा हो गया। हाँ इट्स लाइक आई एम राइडिंग अ टॉय, मेरी टांगें जो हैं इसके ऊपर सीधी क्या नीचे ऐसे सिर्फ इतनी सी जो है ना टांगें मेरी सीधी होती हैं बस। सो नाश्ता हमारा हो गया, जो नाश्ता अच्छा हो गया, और नाश्ता में जो है मेरे है 2 पानी की बोतलें, 1 चाय, 1 केक, 2 अंडे और 3 पराठे और 150 टका यानी 1 यूरो और 20 सेंट। दिस इज़ लाइक हेवन, इफ यू वॉन्ट टू हैव फन एंड चीप हॉलीडेज, बांग्लादेश इज़ द कंट्री। होटल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 17-18 यूरोज़ में, 15 यूरोज़ में होटल आपको मिल जाएगा। खाने में आपको यहाँ पे लगते हैं जनाब 1 से 1.5 यूरो,
दोपहर के खाने में, शाम खाने में, नाश्ता करा आपने? अच्छा, अब मैंने कितना सारा खाया है। तो डेली का आपका यहाँ पे जो है ना, अगर आपके पास 20 यूरो का बजट रखें डेली का, तो इनफ है आपको, ख़त्म ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम भैया, कितना कितना टका के टका? 50 टका। मोटरसाइकिल 50 टका? ओके, नॉट 20, नॉट 10, एवरीवेयर इज 10 और 20। ओके ओके, मैं अगर खड़ा होने की कोशिश करूं, रिवर बहुत बड़ा है यार ये। और क्या ये रिवर के उस तरफ जो है वहाँ पे धुंध है या वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है? वी हैव नो आइडिया, बट लुक एट दिस रिवर। और यहाँ पे अब शिप्स देखें, बोट्स, और ये काफ़ी स्पीड में रिवर बह रहा है, वाकई में फ्लडिंग है। नहीं जी, अगर आपने बांग्लादेश की ट्रेन पे ट्रेवल करनी है, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ट्रेन। ट्रेन्स, ये इंटरसिटी ट्रेन है, इंटरसिटी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल। इट मस्ट बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस राइडिंग अ ट्रेन। बांग्लादेश रेलवे, यहाँ मस्ट हम शहर से गुजर, इसका नाम है टोंगी। और यहाँ पे ट्रैफिक ऐसे की ख़राब ट्रैफिक है, पिछले 15-20 मिनट से, हल्का से भी ज़्यादा मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक जैम में। इस टाइम बज रहे हैं 9:15, और आई थिंक ये ऑफिस वगैरह का रश है। शहर के अंदर से गुजरना, और वो भी बांग्लादेश में, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और स्पेशली फिर इस तरह के जो है ना, अगर आपने पूरा राइडिंग गियर पहना हो और ऊपर से गर्मी हो और बारिश फ्रेश हुई हो, तो सारा काम जो है ना, पूरा प्रोग्राम मुकम्मल होता है, फुल प्रोग्राम होता है। जब मैं सुबह सारे दिन जो है सुबह हमें पसीना नहीं आया था, और अब सारी कसर जो है पूरी हो गई है। वाह, व्हाट अ ट्रैफिक जैम दैट इज़। मेरे इस तरफ दोनों हाथों की तरफ, दाएं और बाएं, ये वाले जो हैं वो लाल रंग की चिमनियां हैं काफ़ी सारी, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी। नाउ आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर मेंट फॉर। ये कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन काम तो ये नहीं कर रही, इनके ऊपर धुआं तो नहीं निकल रहा। तो आगे वाली में से धुआं निकल रहा है, लेकिन जो ये वाली है तो ये कुछ चिमनी, और मे भी आई थिंक ये यहाँ पे ईंटें बनती हैं, या क्योंकि बाहर ईंटों का स्टॉक पड़ा है। या ले जी, आज हमारी राइड सारा दिन तो बहुत ही गंदी थी, लेकिन अब वी आर नाउ इन द टी प्लांटेशंस। अभी हम जो है मेन हाईवे से उतरे हैं इस तरफ, तो हमारे दोनों तरफ जो है लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे टी प्लांटेशंस हैं, और यहाँ पे खुशबू भी जो हवा में है वो और तरह की है। वाह, दिस इज सो फर्स्ट टाइम राइडिंग अमंग द टी प्लांटेशंस। तकरीबन 15-20 किलोमीटर बाकी रहता है हमारा होटल जहाँ पे हमने जाके स्टे करना है, तो फिर उसके बाद हम ज़रा इस इलाके को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। बट लुक एट दिस, सो हिली एरिया, स्मॉल हिल्स, नॉट बिग वंस, लेकिन ये रोड जो है कर्वी रोड, और हमारी इस तरफ ये टी,
वाह, दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। नहीं, ये हमारे होटल का बंदोबस्त हो गया है, मैंने शावर करके, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम से ही पहुँच गए थे, तो ज़रा फ्रेश हो के, और अभी हम जा रहे हैं ज़रा टी गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ के इस एरिया में। श्री मंगल जो है ये है फेमस फॉर इट्स टी गार्डन, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द टी कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। नूरजहां टी एस्टेट, लेट्स गो देयर टू नूरजहां। ये तो यार यहाँ बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, अभी भी बारिश होकर रुकी है, तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम चल रहे हैं ज़रा एक टी गार्डन पे, और चल के ज़रा उसको करीब से देखते हैं। नूरजहां टी एस्टेट, आगे यहाँ पे यहाँ के बंगला भी है और ऑफिस भी है। ओके, लेट्स गो एंड चेक द बंगला। ये क्या है, के लकड़ी काठरी चाय चा लकड़ी चा की चा। ओके, आप रहते इधर ही हो, घर इधर ही है, घर 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 में यहीं पर रहते हो आप। ओके, खाना वाना बनाने के लिए। ओके ओके, ठीक है, मेहरबानी। उसने एक लकड़ी के ऊपर बाकी लकड़ियाँ छोटी उसने बांधी हुई थी। अब ये वाले जनाब ये हैं हमारे चाय के पत्ते, तो कौन से पर ये वाला कौन से पत्ते वो तोड़ते होंगे। अच्छा, इनके पास ठीक है कि बांस की लकड़ी तोड़ी है, उसके ऊपर जाना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। एक बांस की लकड़ी जो है तोड़ के उसके एक सिरे पे जो है वो अपना वो सारा वज़न बांध के उसको उठा के फिर चल रहे होते हैं। लेकिन चाय की जो खुशबू यहाँ पे आ रही है चाय के पत्तों की, उसका एक अलग ही मज़ा है। दिल करता है कि बंदा इधर ही जो है ना कहीं पे रात को सो जाए। अब यहाँ पे इनको आग लगा रहे हो, आग लगाया मैंने, मचा काम होता है मच्छर के लिए। आग क्यों लगा रहे हो, आग किस लिए? मौसा। मच्छर के लिए। ओके, ये चाय की लकड़ी है, चाय के लिए मच्छर नहीं आते? बिस्ती पहले वैसे आया यार की आ रौद्र थाकले कम, लेकिन शायद मुझे समझ आ रही हो यही है कि चाय की लकड़ियों को अगर आग लगाने से मच्छर नहीं आते, या फिर इस धुएं से, धुएं की वजह से मच्छर नहीं आते, धुएं की वजह से पत्ते ऊपर गीले पड़े हुए हैं, तो या तो शायद फिर इसके धुएं की वजह से। आपका नाम क्या है? रतन दास। नहीं, यहाँ मुझे कोई बाइकर दोस्त यहाँ मिले हैं श्री मंगल में, तब हम उनके साथ अब हम जा रहे हैं एक लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पे हम जो है ज़रा एक अच्छा व्यू ले सकें। बट नाउ वी आर इन दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप बिटवीन द टी ट्रीज और बुशेज, व्हाटएवर इन्हें कहते क्या है कि ये चाय के दरख्त हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे सारा पानी खड़ा हो तेरी,
Where do we go? This way? I think it's not that deep, you can go. Somebody in here, they will cannot go, they will be under. Ah, okay. अगर हम नहीं जा सकते इसलिए अरे उसको इसलिए उसको उस पर गहरा कर देते हैं। हाँ हाँ ओके हेयर डीप बट माय हेयर इज सम हाँ लेट्स सी हाउ डीप इज दिस वन डे आई विल टोटली अंडर द वाटर रियली नो इट्स नॉट दैट डीप हियर लुक देयर प्लेन जी हमारी जो ये है मिनी बिल्लो वाह तुम्हारे यहाँ पे ऑफ रोड सही होगी अब मेरे जूते मेरे ये वाले हैं इस तरह के जूते में हम यहाँ फिर रहे हैं Opala. Are you all right? What happened? wait. So. yeah. wait a second just a 1 minute अच्छा हमारी बारी है क्या हम यहाँ पे गिरेंगे यहाँ पे स्लिपरी इस ओके ओके I think in the middle I can come slowly, it's okay. Middle can stand. It's slippery, okay. Middle putter. Yeah, because I have the street tires. Yeah, there are no beads. Yeah, there are no beads. That's why. No problem. I will come slowly. Yeah. It's okay. Now here you have to push a little. यहाँ पे कीचड़ है काफ़ी अब मेरे हैं स्ट्रीट टायर्स उनकी ग्रिप उनकी जो है ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी हम जो है इसको
ये हमारी मिनी बिल्लो अच्छा काम कर रही है वैसे। और अभी वहाँ पे जब ये गिरी है तो इसको मैंने एक हाथ से उठाया। ये है फ़ायदा लाइट वेट मोटरसाइकिल का। अगर यहाँ पे हमारी और बिल्लो होती बड़ी वाली, वो तो खैर पहले वो गिरती ही ना, अगर गिर जाती तो फिर उसका उठाना फिर मुश्किल था। हाँ यहाँ पे तो बंदर भी काफी सारे। लुक एट देम, कम हियर। वो देख बंदरों के बच्चे हैं यहाँ पे। Where are you going? छुप के देखता है वो और फिर आगे चले जाते हैं। वो देखो देख। हम क्या गुम हो गए हैं? हम क्या ट्री कट कर दिया, हाँ कर दिया, सब घास कट दिया, सब घास काट दिया ना। चलो दिखने में देखा ना कि पता है हमें रास्ता जो है ना हमारा। Do you come from here? हाँ? वो रोड अवॉइड करने के लिए हम इधर से आए, इधर से और भी ज्यादा, यहाँ से और भी खराब है, यहाँ पे ज्यादा कीचड़ है, यहाँ पे और भी कीचड़ है। हाँ कम है, उधर से जरा स्लिप भी कम है। हम साइड से वहां से हम जा सकते हैं, साइड साइड से, क्योंकि वहां पे घास है तो वहां ग्रिप रहेगी। ओके अब तो स्लिपरी और अब ये फ्री फॉल में जा रहा है। वाह मेरा ख्याल था कि हम वहाँ से आएंगे, लेकिन खैर उतराई में इतना ज़्यादा मसला नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो मेरी टांगें भी माशाल्लाह से लंबी हैं और दूसरा उतराई में स्लिप जो है वो खुद ब खुद ही हो ही जा रहा है। तो फ्री फॉल पर अब आगे उसके जहाँ टायर वो सारे जो हैं अब भर गए कीचड़ से, तो यहाँ पे जो है अब आगे जाना मुश्किल होगा, उतराई करना ये वाले। ओके
यहाँ पे क्या है? आगे रास्ता है, रोड अवेलेबल है इधर से भी। अच्छा, लेकिन सुबह सवेरे बारिश के वजह से हाँ एवरी रोड गंदा हो गया। हुआ आ जाऊं मैं? अभी तक इसी जंगल में कहीं घूम हुए फिर रहे हैं। वापसी का रास्ता जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रहा और बारिश की वजह से उपला बारिश की वजह से रास्ता सारा ऐसा ऐसा ख़राब है। ओके ओके आई थिंक हमने जाना इस तरफ से है, हमने जाना हमने इस तरफ से है ना। हाँ आगे पता नहीं कैसा है। Let's go, let's go, let's go. के टायर बिल्कुल ही फ्लैट हैं और ब्रेक लगा के हल्के से नीचे उतरने से उसका जो है सारा वो स्लिप होता है। आउच, वाओ, व्हाट एन एडवेंचर। हमारी तगो तो इस जंगल से बाहर निकलने के लिए अगले कुछ घंटों तक जारी रही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरी GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं फिर आगे फिल्म नहीं कर सका। तो कुछ घंटे के बाद हम यहाँ से वापस शहर में चले गए थे, वहाँ जाके हमने खाना खाया और उसके बाद हमारे सांस में सांस आई। इस वीडियो को मुझे यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का एडवेंचर जो कि अनएक्सपेक्टेड था पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एज ऑलवेज गिव इट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग विद अ न्यू एडवेंचर। वी विल गो टू द इंडियन बॉर्डर एंड ट्राई टू क्रॉस द इंडियन बॉर्डर। एंटिल देन अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।